नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए रीट परीक्षा 2021 को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है राजस्थान सरकार। और यहाँ पर दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया है। किस किस ने लिया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक और अन्य, सारी जानकारी बताऊँगा। जयपुर और जोधपुर बेंच में केवियट दायर कर दी गई है इनके द्वारा। तो चलिए पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। रीट 2021 को लेकर बोर्ड ने दाखिल की केवियट। आखिरकार ये केवियट क्या है, क्या इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, इन सभी बातों के ऊपर हम जो है चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इससे क्या असर पड़ेगा इस भर्ती में, ये रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट। ये है अपडेट आप देख सकते हैं, आज ही की अपडेट है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो ये रही यहाँ पर आपकी अपडेट। अजमेर से खबर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 26 सितंबर को आयोजित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट और जयपुर में अलग अलग केवियट दाखिल कर दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग द्वारा केवियट अलग अलग दायर कर दी गई है जोधपुर और जयपुर दोनों पीठ में, मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में। किसने किए देखिए, यहाँ पर अखिलेश राज पुरोहित ने राज्य सरकार की ओर से सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर और रीट कोऑर्डिनेटर अरविंद सेंगवा की ओर से ये केवियट फाइल की गई है। केवियट के जरिए अदालत से प्रार्थना की गई है, अदालत से हाथ जोड़ के कहा गया है, क्या कहा गया है कि बोर्ड द्वारा ली गई रीट परीक्षा 2021 को लेकर यदि कोई भी अभ्यर्थी रीट दायर करता है, यानी कि अब आप कोई भी रीट लगाओगे रीट परीक्षा को लेकर, तो क्या होगा, तो ऐसे प्रकरण में बोर्ड का पक्ष भी सुना जाए, यानी कि बोर्ड की भी जो है सुनी बातें सुनी जाए। यदि आप रीट लगा रहे हो तो आप बोर्ड की भी बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है। ये केवियट राजस्थान हाईकोर्ट रूल के रूल, हाईकोर्ट रूल्स के रूल 159 के अधीन दाखिल की गई है। सचिव अरविंद कुमार सेगवा ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में दाखिल केवियट में कहा है, यदि कोई अभ्यर्थी 11 जनवरी 2021 को रीट 2021 को लेकर जारी संशोधन व 26 सितंबर 2021 को आयोजित रीट परीक्षा जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम द्वितीय के लिए हुई है, उसकी परीक्षा प्रक्रिया आदि को लेकर बोर्ड के विरुद्ध रीट दायर करता है तो उसमें बोर्ड का पक्ष भी सुना जाए। सचिव की ओर से वकील विज्ञान शाह का वकालतनामा पेश किया गया है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं, इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। तो ये आप जानकारी देख सकते हैं। और जो यहाँ पर है गंगापुर सिटी प्रकरण में बोर्ड जाँच रिपोर्ट का इंतजार, अभी जो है बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने एक दिन पहले बयान दिया था कि गंगापुर सिटी में जिला परीक्षा संचालन समिति की रिपोर्ट आएगी, ठीक है, उसी के बाद इसको आउट माना जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है। और आप लोगों को बता दूं अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला है, केवियट क्या है। केवियट ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कोई भी जो संस्था एग्जाम करवाती है वह हाईकोर्ट में, यानी कि राज्य जयपुर में और खंडपीठ में और मुख्यपीठ जोधपुर में, दोनों में केवियट दायर कर देगी। केवियट दायर करने के बाद यदि आप उसमें रीट दायर करते हो, आप जैसे आम आदमी स्टूडेंट रीट दायर करेंगे तो भर्ती रुकेगी नहीं, प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या है, भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसे आंसर की देना, रिजल्ट देना, जब तक इसका मामला जो है बिल्कुल जो है क्लियर नहीं हो जाता और राजस्थान सरकार का मतलब जो भर्ती करवा रही है उसका पक्ष और इसका दोनों पक्ष सुना जाएगा, जो वकील है दोनों के वो वकीलों के दोनों के पक्ष सुने जाएंगे, फिर उसमें कुछ रोक लग सकती है। यदि सरकार गलत पाई जाती फिर उसमें रोक लग सकती है, अन्यथा रोक नहीं लगेगी, ठीक है, प्रक्रिया चलती रहेगी। और यदि डायरेक्ट आप रीट दायर कर देते हो तो आपके आंसर की कुछ भी नहीं आती। यदि आप पहले यह केवियट दायर नहीं करते और पहले आपकी रीट लग जाती तो फिर उसका ना तो आंसर की आता और ना ही रिजल्ट आता, आगे की प्रक्रिया रुक जाती, बिल्कुल स्टॉप हो जाती। परंतु अब जो है ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर यह जो है केवियट दायर कर दी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
तो इस प्रकार की जानकारी आपके पास इस प्रकार आती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। आपकी परीक्षा जरूर कैंसिल होगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 30 तारीख को युद्ध के लिए तैयार होना होगा, सड़कों पे आना होगा। कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 बजे शहीद स्मारक MI रोड में उपेन यादव जी के साथ जरूर आएँ। आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक यहीं पर विराम करते हैं।